हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एनवीएस स्टेनोग्राफर का एग्जाम जिन भी स्टूडेंट्स ने दिया था, आप सभी की आंसर की आ चुकी हैं। आप सभी ने मार्क्स कमेंट सेक्शन में विद कैटेगरी शेयर भी किए हैं और उन्हीं मार्क्स को देख के मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की है, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो गए या नहीं हो गए, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब जो आपकी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी और आपका एग्जाम का क्या लेवल आया था उस पर आपका पूरी तरीके से रिलाई करती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो ज्यादा कुछ अलग नहीं था। आपका जीआई थी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन आए थे वो आपके 40 मार्क्स के थे, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन आपका ये आपका 30 मार्क्स का था। ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर था और 100 क्वेश्चन आपके आए थे, 2 घंटे का आपका पेपर था। अब यहाँ पे सबसे मेन ये बात आती है कि इस बार जो जीके का पैटर्न आया था, कई सारे लोग ये बता रहे थे कि फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर में थोड़ा अलग टाइप के आपके क्वेश्चन आए थे, तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम का लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट था। ठीक है, अब उस प्रकार से स्टूडेंट ने स्कोर भी कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यूआर कैंडिडेट्स में टॉप जो जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा उनमें टॉपर कौन रहा है और ओबीसी में कौन रहा है। ठीक है, उसके पहले हम जान लेते हैं कि आपकी टोटल आपकी वैकेंसी कितनी थी। यूआर में आपकी 10 वैकेंसी है, ओबीसी में आपकी 6 है, एडब्ल्यूएस में आपकी 3 है, एससी में आपकी 3 है और एसटी में आपकी 1 भी वैकेंसी नहीं है। तो एसटी की कट ऑफ आपकी नहीं निकलेगी। एसटी वाले कैंडिडेट्स को अगर पास होना है तो उनको यूआर की जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका शॉर्ट हैंड में किस तरीके से आपका होगी, तो शॉर्ट हैंड में आपका इंग्लिश और इंग्लिश में आपका 80 बार पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड आएगी और उसमें टाइपिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 बार पर मिनट। बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपकी थोड़ा सा कम है, 60 बार पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड आएगी और 30 बार पर मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। अब आगे किस तरीके से आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, इसके लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपको बहुत सी ऐसी वीडियोज है जो एनवीएस स्टेनोग्राफर के बारे में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पोस्टिंग, पोस्ट प्रिफरेंस आपको किस तरीके से बढ़नी है, अलग अलग जॉब्स की, वो सारी चीजें आपको एक एक करके इस चैनल पे आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो कट ऑफ की बात करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूआर कैंडिडेट्स में एक हम मुझे स्टूडेंट दिखाया जिसके 85 मार्क्स थे और कहीं ना कहीं अभी तक पूरे कमेंट सेक्शन में इससे ज्यादा मार्क्स अभी तक मुझे नहीं मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टॉपर आई थिंक मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट जिसके 85 मार्क्स है वही कहीं ना कहीं आपका जो टॉपर है जनरल कैटेगरी में वो रहेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी क्या ओवरऑल रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ओबीसी में, तो ओबीसी में एक स्टूडेंट थे जिसके 79 मार्क्स थे। ठीक है, तो अभी तक इसके इससे ज्यादा मुझे दिखे नहीं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से सफिशियंट मार्क्स है, क्योंकि 100 में 85-89 बहुत ज्यादा मार्क्स हो जाते हैं अगर कोई भी स्टूडेंट स्कोर करता है तो। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी वेरी करेगी, जिस हिसाब से मैंने देखा है कि ज्यादातर मार्क्स जो है वो स्टूडेंट के यूआर कैटेगरी में किस किस नंबर्स के आपके बीच है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूआर में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10 वैकेंसी, तो उस हिसाब से जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं 65-70 के बीच वेरी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या कि जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो उस टाइम पे एनवीएस ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि कितने टाइम कैंडिडेट पास किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हर कैटेगरी में आपके 10 टाइम्स कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी उनके 10 टाइम कैंडिडेट जो है वो आपके पास किए जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर 2018 में भी एनवीएस ने सेम यही सिनेरियो किया था कि 10 टाइम कैंडिडेट ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाए थे। यहां पर यूआर में आपके 100 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। ठीक है, जिस हिसाब से मैंने आपके मार्क्स देखे तो हिसाब से 65-70 आपकी मेरिट जो है वो आपकी जा सकती है रिटर्न की। ओबीसी की अगर हम बात करें, 6 वैकेंसी, 60 कैंडिडेट्स आपके बुलाए जाएंगे, तो इनमें आपके लगभग 62 मार्क्स आपकी जो है वो आपकी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ओबीसी में के कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, तो वो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो कहीं ना कहीं कवर करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में टोटल आपकी 3 वैकेंसी है, 62-64 आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है। एससी की अगर हम बात करें तो इसमें 3 वैकेंसी है, 57-59 आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है। एसटी में आपकी 0 वैकेंसी है, तो एसटी वालों को सिर्फ और सिर्फ यूआर की कट ऑफ जो है वो क्रॉस करनी होगी अगर वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो। ठीक है, अब आपने पूरी कट ऑफ देख ली। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा कि सबसे पहली चीज आपकी कि हर सीट पे आपका अगर 10 कैंडिडेट्स अगर आपके बुलाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल जो है वो बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि 9 कैंडिडेट्स आप सभी को पता है बाहर होने, सिर्फ एक ही सिलेक्ट होना है। तो उसके लिए आपको अपनी टाइपिंग, आपको अपनी स्किल के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी, और आपको किस तरीके से करनी है, क्या किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है, कहां से डिक्टेशन लेनी है, वो सारी चीजें आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके मैं आपको बताता रहूंगा। सो मेक योर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें।